हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग टू चैनल। तो स्वागत है अपना चैनल पे। और अपना लट्टू बैठे हुए बड़ो सदर गए, ये देखो अभी कहाँ की तैयारी हो रही है फिर आज? देखा आपने नोटिस करा कुछ? क्या मैंने आपको टी शर्ट पहन के ओहो, आज तो मेरी टी शर्ट पहन ली। जब भी लग रही ढीली ढीली सी, बड़ी बड़ी सी। और कहाँ जाने की तैयारी है आज? आज मैं कहीं जाने जा रहा हूँ, मुझे कपड़े धोने हैं। कपड़े धोने? बस ये रहता है हमारी कहाँ तैयारी है। हम सारे सुधे इंसान हैं, हम कहाँ घूमें। ओहो, सारे इंसान घूमते नहीं है। लाइफ बस ये हो जाती है। गाइस देख लो कितना झूठ बोल रहे, कह रहे घूमते नहीं हम, शादीशुदा बात तो और घूमता है इंसान। हम जाते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो जाते रहते हैं हम, और जाएंगे आगे कहीं तो वो भी आपको दिखाएंगे हम। फ्रेंड्स के साथ ज्यादा कम हो पाता है ना। हस्बैंड के साथ ये मत करो, ये मत लो, ये मत लो, ये मत लो। ओहो, फ्रेंडों के साथ जाओगे हैं? लॉन्ग ड्राइव पर ओहो, कहाँ जाओगे? ले लद्दाख। लेह लद्दाख? आसपास भी ना, लेह लद्दाख है? लेह लद्दाख जाओगे? आसपास भी कहीं ना जाने के जाओगे? मैं तो जाऊंगी रिक्शे से, ई रिक्शे से। ई रिक्शे से? ई रिक्शा कर लो भाई, लेह लद्दाख के लिए ई रिक्शे से जाओ है। वो कह रहा भैया ना उल्टी वगैरह नहीं होती, बिल्कुल बढ़िया रहता है। ई रिक्शा वाला सोचेगा कहीं यहीं छोड़ना होगा, तो कहते ना वो पूछेगा कहाँ जाना मैडम जी, आप कहना जी लेह क्यों लद्दाख। नहीं लेता के लिए रिक्शे में देगा। हाँ, रिक्शे जाते हैं लेह लद्दाख के मैं लिए? 150 रुपये ले लेता हूँ। अच्छा, 150 रुपये? 150 रुपये में लेह लद्दाख है? 250 रुपये में मनाली भी घुमा लाएगा और दे। अरे वो तो बस कहता है ना, नहीं क्यों पूछ पूछ। रिक्शा वाला कहेगा बैठो भाई, कब तक पहुँचेंगे भैया? रिक्शा तीन वाला चार दिन कहेगा में तो भाई पहुंच जाएंगे ना, 3-4 दिन में, 5-6 दिन में पहुँच जाएंगे। पहुंच जाएंगे सच्ची में और सीरियसली। रिक्शा वाले की बैटरी ख़त्म हो जाएगी बीच में ही, वो कौन सा तेल से चलता है? नहीं तो वो डालता रहेगा ना बैटरी अपनी, उसको उसका खर्चा है अपना। अच्छा, जैसे वो टैक्स में होता बैटरी है तो चार्ज टोल होती टैक्स, है, चार्ज होती है, तो चार्ज कहाँ लगाएगा वो तो बैटरी? रास्ते में लगा लेगा दुकान वालों से क्या। अच्छा, कौन दुकान वाला? कोई ना लगाने देता। वो कर लेगा ऑटोमेटिक। आप क्यों टेंशन ले रहे हो इस चीज की, आप अच्छा, ई रिक्शा कराओ, खुले में जाएंगे। क्योंकि पता है ई रिक्शे में फायदा है, आप ई रिक्शे ई से रिक्शा फायदा में है। नहीं, आप एक काम नहीं करो, ई रिक्शे आप जाओ रेडी ले गए, ठेले पे, ठेले पे बैठ के जाओ, ना उसे खींचेगा कौन। मैं धक्का मारता रहूंगा और आप चलते रहना नहीं और बैठाते ई रहना रिक्शे में सवारी, पता ले क्या लद्दाख फायदा ले है, लद्दाख। सीरियसली बोल। ई रिक्शे में क्या पता क्या फायदा है भाई, वो चलाता रहेगा और बाहर से सारे नजारे देख लेंगे हम ऐसे बैठ के, तो पर मजा आएगा। सारी दुनिया आपसे पूछेगी कहाँ जा रहे हो हाईवे पे, ले लद्दाख और जाओ हाईवे पे तो अलाउड भी नहीं होते, तो साइड में चलाएंगे ना हम तो। अलाउड ही नहीं है चलाना है हाईवे पे ई रिक्शा का। चलान भरते रहेंगे। ये 150 रुपये तो ले लद्दाख जाएंगे और बाकी चलान भी भरते रहेंगे। तो इससे अच्छा तो कोई ट्रेन गाड़ी में चले जाओ। देखो गाड़ी होती है वहां पे थोड़े बंद से जाते हैं कार में, ठीक है। बाइक वाइक पे कोई जा नहीं सकता, थक जाएंगे। इसी जगह खुले में जाओ और अपने हवा खाते जाओ अच्छा, और बर्फ का आनंद तो पेट लेते। हवा खाने से भर जाएगा? खाना भी खाएंगे, शायद में कहोगे होटल वालों भाई यहीं लगा लो रिक्शा, इस खाना वाले ही लगा होटल लो में। यहीं से दो और यहीं से खाएंगे और फिर लो भी अच्छा पत्ते वापस अपने। अच्छा देख रहे हो गाइस, इतना तगड़ा प्लान बनाया ई रिक्शा पे ले लद्दाख, आज तक कोई नहीं गया, हम जाएंगे चलेंगे ना, चलेंगे ना। ई रिक्शा पे ले लद्दाख कोई है। बैटरी उससे उससे कह देंगे, तीन चार बैटरी भर भर के रख ले अपने उसमें बॉक्स में सीट के अच्छा अंदर, और जब भी खाली हुई जब भी भर दी, जब भी खाली हुई जब अच्छा भी भर इतनी तो दी। जगह होती ना उसमें रखने की। नहीं जिसपे हम बैठेंगे उसके अंदर बॉक्स नहीं बने रहते क्या, देखा नहीं क्या आपने। इतना भीड़ नहीं है, हम ई रिक्शे में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा फिर भाई आगे? तो फिर चलेंगे, फिर बर्फ पड़ेगी ना उसमें छत पे ई रिक्शे अच्छा, की। ज्ञान मज़ा ही आ जाएगा है, ज्ञान सही आ जाएगा। क्या आपको गाइस हम चलेंगे ई रिक्शा में ले लद्दाख, और आपको भी दिखाएंगे कि ई रिक्शा में ले लद्दाख कितने दिन और में मेरे साथ पहुंचते जाओ, मैं हैं ड्राइव और मैं कब तक करूंगी, पहुंचते हैं। ड्राइव मैं करूंगी। ओहो, ई रिक्शा मतलब फिर तो खरीद के ले जाना पड़ेगा, ड्राइव इसलिए मैं करूंगी क्योंकि नेम बुक कर लेंगे ई अरे रिक्शा। नहीं मुझे थोड़ी आपकी सेफ्टी की भी तो जरूरत है। पता नहीं कैसे चला है वो पहाड़ों पे, ईंट पत्थर आ गए तो। टोल टैक्स पे भी देखेगा भाई ई रिक्शा का, टोल टैक्स का जगह टोल है टैक्स भी कटेगा क्या, और क्या, कितने का कट जाएगा। वो तो अलग अलग रेट होते हैं, अरे कितने कट जाएगा, अलग अलग रेट होते हैं वो तो, फिर भी कितना, पता नहीं कितना भी हो सकता है, 80-90 रुपये कट जाएगा अस्सी क्या, नब्बे 150 ऐसे कुछ। कट जाएगा। 150-150 मतलब 350-400 तक का खर्चा हो जाएगा हमारा हाँ टोटल। और वो तो लेना ही नहीं है कमरा मुझे,
रिक्शे में सोएंगे? अच्छा, सोने क्या है, घूमने आए तो रात को कैसे क्या भाई, करोगे? एक दिन आने का, एक दिन घूमने का, एक दिन आने का, बस हमने क्या क्या रखना है रूम में। देखो गाइस, ई रिक्शा में ये इंसान एक दिन में पहुंच भी जाएगा और एक दिन घूम भी लेगा और तीसरे दिन ही आ भी जाएगा। ऐसा होता है क्या कहीं? यह है बिल्कुल होता है, अगर हम चाहें तो सब हो सकता है। 3 4 दिन में तो हम पहुंचेंगे एक बार बताऊँ, आपने एक न्यूज़ देखी है क्या? कि मतलब जो कौन थे वो मुस्लिम लोग थे जो वो पैदल गए हो सऊदी तक, तो हम ई रिक्शे में क्यों नहीं जाते थे लेह लद्दाख तक। तो जा सकते हैं पर टाइम लगेगा, 3 दिन का पहुंचने और एक लड़का, एक पहुंचने लड़का वैष्णो देवी भी गया है, आपको पता है, अभी पैदल। बीच में। हाँ पैदल यात्रा कर रहे हैं वो दिल्ली से ही, अच्छा और जम्मू तक पैदल जाएंगे। अच्छा हाँ वो उनकी यात्रा है, वो भी आ रहे हैं। मतलब जब से वो सऊदी वाला हुआ है ना, जब से तो सब ज्यादातर पैदल ही जाने लगे, तो हम तो ई रिक्शे में जा रहे हैं बाबा। अच्छा भाई जी, रिक्शे में जा रहे हैं हम, 3 दिन में पहुंचेंगे, 3 दिन घूमेंगे और 3 दिन में आराम लगेंगे। तो मान लो 10 दिन, मान लो आप 10 दिन में घूम के आ जाएंगे और दिखाएंगे आपको ई रिक्शा में लेह लद्दाख कैसे घूमते हैं और बड़े अच्छे नज़ारे दिखाएंगे आपको। तो जानने के लिए क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारी ले लद्दाख की वीडियो आपके सामने आ जाए। तो गाइस तब तक के लाइक लिए सब्सक्राइब करना बोला और कमेंट शेयर।